दिखाया है कि जम्मू कश्मीर को सुपर स्टेट बनाना है, सुपर स्टेट बनाना। जेएनके मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आतंकवाद से ग्रस्त जम्मू कश्मीर राज्य को एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन के अधीन आना पड़ा है। इतिहास के पन्नों को अगर हम झांक कर देखें तो 22 साल पहले 1990 में 1996 तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में रहा। वर्तमान बनी हुई परिस्थितियों का ये कदम उतना ही सटीक माना जा रहा है जितना वर्ष 1990 से 1996 तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में रहा। राज्य में भी भाजपा पीडीपी गठबंधन सरकार से बहुत सी आशाएं थी और नए आयाम बनाने की उम्मीद थी, मगर ये ख्वाब सब अधूरे रह गए, ख्वाब बिखर गए और हाथ में लगा लगातार अलगाववाद, विफलता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, स्वार्थी राजनीति चरम सीमा की सभी हदों को पार कर गई। अंततः केंद्र सरकार ने कदम उठाया मगर देरी से उठाया, मगर जब जागो तभी सवेरा की कहावत यथार्थ कर ही डाली। अपनी साख पर जिस तरीके से आते ही चार चांद राज्यपाल सत्य मलिक ने लगाए, उन्होंने स्वार्थी राजनीति का फन फैलाए जाने से पहले ही उसे कुचल डाला। ऑपरेशन ऑल आउट की अपार सफलता और जम्मू कश्मीर लद्दाख के विकास की एक नज़र देखकर उन्होंने सबका साथ सबका विकास की एक नई शानदार कवायद अपने ढंग से आरंभ की और उनके साथ उनके तीन सलाहकारों की टीम ने ये प्रमाण दे दिया, व्हेन फर्स्ट इज वेल एंड इज वेल। राष्ट्रपति शासन जब तक जम्मू कश्मीर में रहेगा, ये उम्मीद का नया सवेरा नजर आया है, ये एक नया आयाम जम्मू कश्मीर को देगा और एक नई बयार बहाएगा।